Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. 1.69 inches big display, Bluetooth calling feature, built-in games, voice assistants, SpO2 and heart rate monitor. नाम लो और ये सारे फीचर्स इस स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाएंगे. Yes, I'm talking about the latest smartwatch in the market, जो कि है Firebolt का flagship smartwatch Ninja Bell. Under budget with all these features makes it the best smartwatch in trend nowadays. So आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग इन 3, 2, 1. So this is how the packaging looks like, guys. यहाँ पे विराट कोहली की फोटो दी हुई है. यहाँ अगेन ये इसका ब्रांडिंग दी हुई है. बैक पे अगर हम आए तो यहाँ पे मेन फीचर्स दिए हुए हैं. एंड इसके अलावा नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे मॉडल नंबर, MRP देखो यहाँ पे 4x9, मतलब लगभग 10,000 का है, बट उतना है नहीं. इस पे तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग एंड इसको खोलते हैं. इसको जस्ट यहाँ से ऐसे पीछे से स्लाइड करना होगा. सो दिस इज हाउ. ओके, सो यहाँ पे अंदर फोम का कुशन दिया हुआ है ताकि आपका वॉच प्रोटेक्टेड रहे. एंड दिस इज हाउ द वॉच लुक्स लाइक. अंदर हम आते हैं और अंदर यहाँ पे ये अगेन मैनुअल दिया हुआ है. काफ़ी लंबा चौड़ा सा मैनुअल है, इस पर भी हम आएंगे. यहाँ अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है. इसके अलावा ये आपका USB केबल दिया हुआ है चार्ज करने के लिए. मैग्नेटिक चार्जर है इसका. बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दिस वॉच इज सुपर लाइटवेट. निंजा बेल कम्स विथ अ प्रीमियम मेटल फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखो तो. ऑल्सो इट हैज अ सिलिकॉन स्ट्रैप दैट फिट्स कंफर्टेबली अराउंड योर रिस्ट. यहाँ पे बैक साइड पे ये प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ है एंड इट कम्स विथ ऑल द सेंसर्स यहाँ पे. अब हम आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ. सो स्टिकर हटाते ही ये पहले से ही ऑन है, मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी है. 240x280 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आपको 1.69 इंचेस का ये डिस्प्ले दिखेगा. सो इस स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले है ये 2D हार्ड ग्लास से बना हुआ है. इंडोर एंड आउटडोर पे इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है एंड यू कैन इजीली ऑपरेट इन सनलाइट विदाउट एनी हैसल. सो ये डिवाइस ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शनैलिटी के साथ आता है. इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर भी दिया हुआ है. यूजर स्मार्ट वॉच का उपयोग करके किसी को भी सीधा कॉल कर सकते हैं और अपने फोन कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं. It comes with an AI voice assistance. इसका मतलब ये है that now you can use your smartphone with your smartwatch. For instance, you can use it for your call history, dial pad, and also you can sync your contacts. You can make or receive call directly from the Ninja Bell, जो कि एक signature feature है Ninja Bell का. The smartwatch comes with a health tracking system. इसका मतलब the smartwatch is equipped with SpO2 and heart rate monitoring sensors. ये आपके sleep cycle and आपके female menstrual health को भी record करता है. इसके स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर्स आपके स्लीपिंग साइकिल को भी रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी गहरी नींद में थे या कितनी देर आपको हल्की नींद आई, ये सारा प्रॉपरली ट्रैक होता है. द स्मार्ट वॉच ऑफर्स मोर देन 60+ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मोड. इस वॉच को IP68 रेटिंग मिली है. इसका मतलब ये है कि ये वाटरप्रूफ डिवाइस है. आप इसको पानी में रख सकते हैं, अगर भीग भी गया या फिर पानी में भी चला गया तो कोई चिंता की बात नहीं है. इसकी बैटरी की अगर मैं बात करूं तो कहीं पे भी स्पेसिफिकली MAH मेंशन नहीं है. जैसा कि Firebolt क्लेम करती है कि 7 to 8 days ये आपका जो डिवाइस है वो चल सकता है, बट आई थिंक कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ साथ आप इसको मैक्सिमम 4 to 5 days ही यूज़ कर सकते हो. अगर मैं इसके स्टैंड बाय टाइम की बात करूँ तो ये 25 दिन का है. अब हम आते हैं इसके यूज़र इंटरफेस के ऊपर. यहाँ जो सामने आप देख रहे हो टाइम, डेट वगैरह एंड रिसेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. इसको जब हम स्लाइड करेंगे, ये एड ऑन फीचर है, अभी तक इस तरह का फीचर मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा था. एंड ये जो रीसेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैंने अभी अलार्म देखा है, क्लॉक देखा है, नीचे से ऊपर की तरफ मैं स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ जो आप ये जो हनीकॉम फीचर देख रहे हो, ये मेन्यू काफी यूनिक है, काफी
कम वॉचेस में इस तरह का हनीकॉम्ब आपको मेन्यू दिखेगा। आप अगर चाहो तो लिस्ट ग्रिड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। हनीकॉम्ब इज समथिंग विच एक थोड़ा सा अलग सा ही फील देता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी सारे आप जितने भी फीचर्स हैं ये सारे आपको दिख जाएंगे, चाहे कॉलिंग हो, AI हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ऑक्सीजन आपका, SPO2 मॉनिटरिंग, कॉलिंग, एंड ये आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप कैमरा ऑन कर सकते हो आपका। अब हम इसके सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ डिस्प्ले पे इसकी ब्राइटनेस यहाँ से आप प्लस कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो माइनस कर सकते हो। इंडोर एंड आउटडोर दोनों पे इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। ऑटो लॉक आप एनेबल करना चाहते हो, यहाँ पे 10 सेकंड का है, आप चाहो तो 5 सेकंड्स का भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 10 सेकंड पे ही सेट रखती हूँ। अब हम आते हैं इसके DND फीचर पे भी। आप DND अगर आप चाहो तो यहाँ से एनेबल कर सकते हो। फिलहाल मुझे एनेबल नहीं करना है तो मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगी। नीचे जाते हैं हम लो पावर मोड, अगर आपका बैटरी कम है तो यहाँ पे आप लो पावर मोड को एनेबल कर सकते हो। फिलहाल तो परफेक्ट पावर है। सिस्टम पे आते हैं हम अब, एंड अगर आप चाहो तो रीस्टार्ट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो या फिर रीसेट कर सकते हो। ये इसको भी नहीं यूज़ करना है मुझे। अबाउट दिस वॉच यहाँ पे वर्जन एंड QR कोड आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ हम आते हैं इसके अबाउट पे, और ये QR कोड जहाँ पे दिया है इसको चलो स्कैन करते हैं एंड देन इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ये जो ऐप है यहाँ पे DAFIT के नाम पे है। इट इज़ बाय द कंपनी MO Young Limited। नाउ वी हैव टू गेट इट, लेट इट इंस्टॉल, कंफर्म विद साइड बटन, डबल क्लिक करना है टू इंस्टॉल। हो रहा है ये, फेस ID चाहिए। ओके, डन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोफाइल है इस एप्लीकेशन की, उसमें मैं अपना पहले जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं पुट इन करूँगी। ओके, ऐड अ डिवाइस, अलाउ। इस वॉच का जो नाम है वो FBBSW040 है, जो कि पेयर अप हो रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे वॉच को पेयर करने के बाद यू कैन सी सबसे पहला ऑप्शन आया है वॉच फेसेस का। यहाँ पे जो इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं, यहाँ पे 6 वॉच फेसेस दिए हैं। आप अगर चाहो तो डिस्कवर मोर डायल्स में जाके यहाँ से कोई भी अपना मनपसंद, काफ़ी सारे ये वॉच फेसेस हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशंस पे आते हैं हम, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो सारे ही नोटिफिकेशंस ऑन है। आप अगर चाहो तो जो भी आपको नहीं लगता कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, अननेसेसरी है, उसको आप ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। अलार्म अगर आप सेट करना चाहो जितने भी टाइम का, वो आप सेट कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके शटर ऑप्शन पे। जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो आपका स्मार्ट वॉच है वो शटर इसका एनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। ये अपग्रेड का है, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो चेकिंग फॉर अपडेट, इनकेस अगर कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे, आपके वॉच पे यहाँ अपडेटिंग का साइन यहाँ आने लगेगा, एंड वंस दिस गेट्स अपडेटेड अपना वॉच अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका प्राइस अभी 3299 दिख रहा है, जो कि आई गेस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सेल, क्योंकि ये e-commerce वेबसाइट है, तो आप समझ ही सकते हो कि इतने इस रेंज में आपको ये वॉच मिल जाएगी। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मेटल बॉडी है वो 3 different colors में आपको मिलेगा, ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके अलावा जो इसका स्ट्रैप है वो काफ़ी सारे कलर्स में लॉन्च हुआ है, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल, इतने सारे कलर्स है। ओ माई गॉड, यू कैन चूज वट एवर यू लाइक। आई बी मैंशनिंग द प्रोडक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइज। अगर आपको लगता है कि इस रेंज में ये सबसे बेस्ट वॉच है, यू कैन गो एंड चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है, इतने दूर आ गए हो, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।